नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आज 13 जनवरी है और आज हम लोग सरकारी भर्ती की ओर देखेंगे। कौन सी सरकारी भर्तियां आई हैं? टोटल 8 सरकारी भर्तियां आई हैं, बड़ी भर्तियां हैं, किसी में थोड़ी बहुत प्राइवेट भर्ती भी आई हुई हैं और सरकारी दोनों मिक्स हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें किसी में हाई स्कूल मांगा, 12th मांगा, डिग्री मांगी, डिप्लोमा मांगा गया और प्लस ITI भी मांगा गया है। तो जो ITI कर चुके हैं वो भी भर सकते हैं इसमें। आइए बिना रोके हम लोग अब देखते हैं कौन सी पहली भर्ती आई है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहली भर्ती आपकी जो आई है वो हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर की आई है, राज्य स्वास्थ्य संस्थान केंद्र। इसका जॉब लोकेशन डायरेक्ट हरियाणा पड़ेगा दोस्तों। और प्लस इसका पोस्ट का नाम आपका है, स्टाफ नर्स की पोस्ट आई है, ICU टेक्नीशियन की आई है, ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की आई है, काउंसलर की आई है और इंटेंसिविस्ट की आई है। काफ़ी वेरियस वैकेंसी है दोस्तों और अलग अलग वैकेंसी पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी प्रोवाइड की गई है दोस्तों। उसको आप देख सकते हैं आपके लाइक जो होगी। क्वालिफिकेशन डायरेक्ट आपकी BSc नर्सिंग, MBBS, MA, PG डिग्री मांगी गई है दोस्तों। प्लस आपकी एज लिमिटेड आपकी 58 है, किसी में 60 है, किसी में 65 ईयर्स है। और एप्लीकेशन फीस नहीं होगी इसमें, डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम होगा, सॉरी इसका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्तों। आइए अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट दोस्तों ये है कि आपकी इंटरव्यू की डेट इसमें आपकी दिखा दी गई है 22 जनवरी, 23 जनवरी और 24 जनवरी बोल दी गई है। इसका अप्लाई मोड ऑफलाइन है, इसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप दोस्तों भर सकते हैं। आइए अब हम लोग दूसरी भर्ती की ओर चलते हैं। दूसरी भर्ती आपकी आई है पुलिस डिपार्टमेंट की आई है, इसमें राजस्थान की आई है, डायरेक्ट जॉब लोकेशन डायरेक्ट राजस्थान होगा दोस्तों। और पोस्ट का नाम SI प्लेटून कमांडर की आई है। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है ये, आप देख सकते हैं दोस्तों, और इसमें नोटिफिकेशन बॉक्स में लिखा होगा। पे स्केल इसमें डायरेक्ट आपकी 26,500 है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है। एज लिमिट मिनिमम 18 साल है। और आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 350 रुपीज़ है और 400 रुपये हैं। सिलेक्शन प्रोसेस डायरेक्ट PET होगा और ट्रायल होगा दोस्तों। आइए अब इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट क्या है इसकी? इम्पॉर्टेंट डेट दोस्तों 6 फरवरी लास्ट डेट है दोस्तों। तो उससे पहले अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। और अप्लाई मोड ऑनलाइन है, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप भर सकते हैं दोस्तों। आइए अब हम लोग तीसरी भर्ती की ओर चलते हैं। तीसरी भर्ती आपकी क्या आई है? वो आई है स्टेट काउंसिल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की आई है। इसका जॉब लोकेशन डायरेक्ट दिल्ली है दोस्तों। पोस्ट का नाम सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिसोर्स पर्सन का है, SSRP कहा जाता है। वैकेंसी इसमें डायरेक्ट 158 है। पे स्केल 50,789 रुपीज़ पर मंथ है। प्लस क्वालिफिकेशन इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है जो BEd कर चुके हों उसके साथ। एज लिमिट आपकी दोस्तों 45 ईयर्स है। और एप्लीकेशन फ़ीस आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन बॉक्स में दोस्तों। इसकी लास्ट डेट लिख लेते हैं। लास्ट डेट आपकी दोस्तों 27 जनवरी है। और इसका एक सिलेक्शन प्रोसेस डायरेक्ट एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा। इसका इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन है, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। आइए अब हम लोग चौथी भर्ती की ओर चलते हैं। चौथी भर्ती कौन सी आई है दोस्तों? चौथी भर्ती आपकी आई है फूड डिपार्टमेंट की आई है, खाद्य विभाग की आई है, फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसका डायरेक्ट आपका जॉब लोकेशन तेलंगाना होगा दोस्तों। इसमें वैकेंसी टोटल 36 है और पे स्केल 28,940 से लेकर के 78,910 तक है दोस्तों। क्वालिफिकेशन अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं क्वालिफिकेशन, जिन्होंने कर चुके हैं वो इनमें से कोई सेलेक्ट ले सकते हैं। एज लिमिट आपका 18 से 34 साल है। प्लस और उसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। इसके एप्लीकेशन फ़ीस डायरेक्ट आपकी 200 रुपये हैं, जो कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग फ़ीस कही जाती है। और जनरल एग्जामिनेशन में फ़ीस आपकी 80 रुपये हैं। और SC ST के लिए, फिज़िकल हैंडीकेप के लिए नो फीस रिक्वायर्ड है। सिलेक्शन प्रोसेस डायरेक्ट रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा दोस्तों। इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन, इसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 25 जनवरी बोल दी गई है दोस्तों, उससे पहले आपको भरना पड़ेगा। आइए अब हम लोग पांचवी भर्ती की ओर चलते हैं, जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जॉब आई है दोस्तों। इसमें पोस्ट करंट डायरेक्ट ऑफिसर ग्रेड ए है और वैकेंसी टोटल 25 है। पे स्केल 60,000 to 180,000, 1,80,000 बोली गई है। क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए MBBS मानी गई है। एज लिमिट 18 to 35 ईयर्स है। एज जनरल कैंडिडेट के लिए और EWS OBC कैंडिडेट के लिए 300 रुपये, SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए आपका निल है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्तों इसमें। आइए इसकी लास्ट डेट देख लेते हैं। तो इंटरव्यू की डेट आपकी 31 जनवरी है लास्ट डेट अप्लाई करने की, और इंटरव्यू की दोनों की डेट आपकी 31 जनवरी है। इसको आप भर सकते हैं दोस्तों। आइए अब हम लोग छठवीं भर्ती की ओर चलते हैं। छठवीं भर्ती कौन सी आई जो दोस्तों, ये शहीद राजगुरु कॉलेज की आई है। शहीद राजगुरु कॉलेज आपका दिल्ली में पड़ता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आई है जो नॉन टीचिंग ऑफिसर्स जो होते हैं उनके लिए पोस्ट आई है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, वैकेंसी टोटल 32 हैं, और पे स्केल अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग पे स्केल है। इसको भी आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन 10th 8th मांगी है, 10th मांगी है, 12th मांगी, डिग्री मांगी गई है। एज लिमिट डायरेक्ट आपकी 18 से 35 साल है। प्लस जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 250 रुपये हैं, और SC ST के लिए मात्र 100 रुपये बोले गए हैं दोस्तों। आइए इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन है, इस ऑफलाइन है दोस्तों। तो इसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, उसे आप भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस डायरेक्ट रिटर्न होगा और स्किल टेस्ट होगा। इसका लास्ट डेट अप्लाई करने की 24 जनवरी है, तो इसको देख लीजिएगा जो अगर आप इसको भरना चाहते हैं तो। सातवीं भर्ती लिखते हैं दोस्तों, जो हिंदुस्तान कॉपर की आई है दोस्तों। इसमें डायरेक्ट आपका ट्रेड पोस्ट का नाम ट्रेड अप्रेंटिस है। टोटल 100 की वैकेंसीज आई है, और पे स्केल 7,000 पर मंथ है। क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया, ITI मांगा गया है, और एज लिमिट 18 से 25 साल मांगी गई। ये एप्लीकेशन फ़ीस इसमें नहीं लगेगी दोस्तों। तो जो अप्रेंटिस ITI कर चुके हैं वो भर सकते हैं, और 7,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन है, ऑफलाइन है दोस्तों, माफ़ करिएगा। इसका अप्लाई मोड ऑफलाइन, इसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, उसे आप भर सकते हैं। सिलेक्शन पर डायरेक्ट रिटन टेस्ट होगा, और इसकी जॉब लोकेशन डायरेक्ट सिंहभूम जो कि झारखंड में पड़ता है वहाँ पे है। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 जनवरी है, तो इसको आप देख सकते हैं। आइए आज की हम लोग अंतिम भर्ती की ओर देखते हैं। अंतिम भर्ती अभी कौन सी आई है, वो स्पेस सेंटर की आई है दोस्तों, अंतरिक्ष केंद्र की आई है। पोस्ट का नाम साइंटिस्ट इंजीनियरिंग मेडिकल ऑफिसर है। वैकेंसी टोटल 21 है। पे स्केल आप देख सकते हैं कि पे स्केल अच्छी है। प्लस क्वालिफिकेशन इसमें BE BTech MBBS MD MS और DNB मांगा गया है। प्लस एज लिमिट आपकी 18 से 35 साल है, और जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये, SC ST फीमेल के लिए नो फीस है। सिलेक्शन प्रोसेस में डायरेक्ट रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा दोस्तों। इसका अप्लाई मोड दोस्तों डायरेक्ट ऑनलाइन है, हमारा लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, से आप भर सकते हैं दोस्तों। प्लस इसका जॉब लोकेशन निल्लौर में है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन मिलेगी। प्लस इसकी लास्ट डेट भरने की 17 जनवरी है, तो जो भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं दोस्तों। तो आज की यही भर्तियाँ थी। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हमारी मेहनत को रंग लाए, हमारी मेहनत की हम लोगों को लगे कि आप देख रहे हैं और हम लोग सफल व्यक्ति बनते जा रहे हैं आपके माध्यम से। शुक्रिया।